शटर फ्रेमवर्क एग्जैक्टली है क्या, तो इसको आज समझते हैं कि पहले सपोज आपको ऐप बनाना रहता था तो वेबसाइट के लिए आपको रिएक्ट और एंगुलर सीखना होता था, ठीक है। मोबाइल ऐप में दो कैटेगरीज रहती थी राइट, एंड्रॉयड भी और आईफोन भी। अब एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए आपको कॉटलिन सीखना होता था, आईफोन ऐप बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट सीखना होता था। बट ये जो चैलेंज था कि अलग अलग चीज़ें आपको सीखनी होती थी, ये चीज़ सॉल्व हुई है फ्लटर फ्रेमवर्क से। अब फ्लटर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें आप एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सब डिवाइसेस के ऐप बना सकते हैं। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है कि वेबसाइट भी, मोबाइल ऐप भी, डेस्कटॉप ऐप भी, एम्बेडेड डिवाइसेस, सारे डिवाइसेस के लिए ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ऐप क्रिएट कर देता है। क्या इसमें परफॉर्मेंस का इशू आता है? तो आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है गूगल पे। ये जो ऐप है ये फ्लटर फ्रेमवर्क में क्रिएट किया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सॉलिड परफॉर्मेंस इसका होगा, ठीक है। तो फ्लटर फ्रेमवर्क को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें पहला ऐप अपन रन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और मेरे वीडियो को अगर पहली बार कंज्यूम कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोज़ आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। तो गाइस देखते हैं कि फ्लटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं और रन करते हैं अपना पहला ऐप। यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे इंस्टॉलेशन के, इस पर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब आपका सपोज़ विंडोज़ सिस्टम है तो आप विंडोज़ में जाके यहाँ से आप फ्लटर के लिए जो भी फ्रेमवर्क है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और ये स्टेप्स को आप फॉलो कर दीजिए। जैसे उसको जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके उसके पाथ को भी आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही मैक ओएस के लिए मेरे इसमें ये वाला इंस्टॉल्ड है, फिर डाउनलोड होने के बाद मैंने उसे अनजिप करके अपना पाथ जो है वो आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है कि पाथ को कैसे अपडेट कर किया जाता है, तो आप क्विकली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू अपडेट द पाथ इन विंडोज़, या फिर एक मिनट का काम रहता है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगा। कंट्रोल पैनल में, एडवांस में, एनवायरमेंट वेरिएबल्स में एडिट करके वहाँ पर आप इसको पाथ को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्लटर इंस्टॉल हो चुका है हमारे सिस्टम में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर मैं क्रिएट करूँगा डाउनलोड्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक फ़ोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ फ्लटर ऐप नाम्स, इसको मैं विजुअल स्टूडियो में ओपन करता हूँ, ठीक है। अब टर्मिनल में हम जाएंगे, यहाँ पे टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल, ये एडिटर, ये विजुअल स्टूडियो एडिटर है, ठीक है। अगर आपके इसमें ये भी इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पे सर्च करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ से आप इस एडिटर को डाउनलोड कर सकते हैं। आपका अगर विंडोज़ सिस्टम है तो आप विंडोज़ के लिए, मैक है तो मैक के लिए, ठीक है। ये एक सिंपल प्रोसेस है, आप देखकर कर सकते हैं। अब इसको, अब हम हमारा फर्स्ट ऐप क्रिएट करेंगे, फ्लटर क्रिएट माय ऐप, ठीक है। ये कमांड आपको रन करना होता है जिस, और ये ऐप के नाम पर आप जो भी ऐप आप देना चाहें वो दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोडजीफाई ऐप दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोडजीफाई अंडरस्कोर ऐप के अंदर हमारे सारे फाइल्स अभी अवेलेबल है। अब फ्लटर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं ये आप चेक करने के लिए आपको फ्लटर डॉक्टर ये कमांड रन करना होता है, फ्लटर डॉक्टर। इससे आपको ये बता देगा पूरा एनालाइज करके कि आपके इसमें रिक्वायर्ड सिस्टम जो भी उसे सॉफ्टवेयर्स लगते हैं वो अवेलेबल है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सिर्फ वेब ऐप बनाना है तो क्रोम ब्राउज़र आपके इसमें इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपको एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करना है तो आपके इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल होना चाहिए, और अगर आपको iOS ऐप बनाने हैं तो Xcode इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। कोड यही रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे iOS के लिए भी उसने प्रोजेक्ट हमारे लिए डिज़ाइन किया हुआ है, वैसे ही एंड्रॉयड के लिए भी, वेब के लिए भी। अब ये एक यहाँ पे इन्होंने ऐप क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहले आप इसमें जाएंगे लिब फोल्डर में, lib, इसमें main.dart नाम की एक फ़ाइल है, इस पर मैंने क्लिक किया, और कोड को मैं अभी कुछ भी चेंज नहीं करूँगा। इसको हम रन करके देखते हैं कि किस तरीके से ऐप डिज़ाइन हुआ है। तो मैं रन करूँगा फ्लटर रन। अब पहली बार जब आप रन करेंगे ना फ्लटर रन, तो आपको अगर ये एरर आता है नो pubspec.yaml फाइल फाउंड, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो प्रोजेक्ट का नाम है उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना होता है। जैसे कोडजीफाई ऐप हमने क्रिएट किया, तो मैं यहाँ पे कोडजीफाई अंडरस्कोर ऐप में जाऊँगा। अब मैं रन करूँगा फ्लटर रन। अब जो एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स है उन्हें तो ये पता ही होगा, लेकिन जो बिगिनर्स है उनके लिए ये सब चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक वेब ऐप ओपन हो चुका है यहाँ पे क्रोम पे। अब ये काउंटर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐप क्रिएटेड है,
यही ऐप आप मोबाइल में भी रन कर सकते हैं, एंड्रॉयड iOS बोथ, और एक डेस्कटॉप ऐप में भी। और इसका जो कोड है वो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे उन्होंने एक विजेट क्रिएट किया हुआ है, टेक्स्ट विजेट, इसमें टेक्स्ट काउंटर है जहाँ पे वो काउंटर वहाँ पे प्रिंट हो रहा था ना ऐप में, ये वाला काउंटर, ये ऐसे उन्होंने पूरा UI डिज़ाइन किया हुआ है। तो यही चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं कि ये विजेट्स और कौन से अवेलेबल होते हैं, टेक्स्ट विजेट, कॉलम विजेट, रो विजेट, ऐप बार, स्कैफोल्ड, ये सारे विजेट्स इसमें अवेलेबल है। उनका पर्पज़ क्या है, मोबाइल ऐप्स में उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें हम इस पूरे सीरीज़ में कवर करेंगे। आई होप कि आपको एक बेटर आइडिया लग गया होगा कि फ्लटर को इंस्टॉल करके ऐप को रन कैसे किया जाता है, और ये सारे डिवाइसेस में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ बनाने वाला हूँ फ्लटर पे, जिसमें हम एक ऐप क्रिएट करेंगे जो हम वेबसाइट, मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप, इन तीनों डिवाइसेस पे रन करेंगे, और सारी चीज़ें सीखेंगे एक ऐप के थ्रू कि क्या क्या चीज़ें लगती है एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट ऐप बनाने में, ठीक है। इस सीरीज़ को कम्प्लीटली फॉलो करें। इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।